हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है डिमोलिशन मशीन पर। और ये मशीन ली है मैंने फ्लिपकार्ट से। ज्यादातर लोग इसको ब्रेकर मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं इसके अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा है इसका परफॉर्मेंस। तो कुछ इस तरह की पेटी में आती है हमारी मशीन और इस मशीन का कुछ इस तरह का है आउटर बॉक्स। यह है टेक ट्रक्स कंपनी की मशीन और इसका मॉडल नंबर है TDH810T। तो इस टीन की पैकिंग में आती है हमारी मशीन। पैकिंग की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा इनने पेटी दी है। इसका हैंडल भी बहुत बढ़िया है, बट मुझे इसमें एक डिसएडवांटेज लगा। ये पेटी है टीन की, अगर इसकी जगह कंपनी प्लास्टिक की पेटी देती तो और भी अच्छा होता। रीज़न ये है कि टीन के अंदर बहुत जल्दी डेंट लग जाते हैं। चलिए अब हम खोलते हैं इस बॉक्स को। सबसे पहले हमको यहाँ पर मिल जाता है टेक ट्रक्स कंपनी का वारंटी कार्ड और इसका ब्रोशर। इसके अंदर आपको मिल जाती है पूरे 6 महीने की वारंटी। और फिर यह है इसका ब्रोशर, इसमें बताया गया है कि मशीन कैसे यूज़ करना है। इसको हम रख देते हैं साइड में। फिर हमको यहाँ पर मिल जाता है इस मशीन का बिल। जरा मैं आपको खोल के बता देता हूँ, ये मशीन मुझे पड़ी है 3914 रुपये की। इसका MRP है 5500 रुपये। इसके बाद आपको यहाँ मिल जाती है SDS Max Bits। ये जो SDS Max Bit है ये SDS Plus से अलग होती हैं और कहीं ज़्यादा पावरफुल भी होती हैं। टेक्निकल भाषा में इसको हम चिपिंग चिजल और इसको हम स्केलिंग चिजल बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्पैनर जो कि ऑयल कैप खोलने काम में आता है, जिसको हम लोग क्रैंक कैप भी बोलते हैं। और फिर यह है फाइनली हमारी 5 kg की डिमोलिशन मशीन। चलिए तो अब हम देख लेते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस और लास्ट में हम लेंगे इसका डिटेल डेमोस्ट्रेशन। इस मशीन का पावर है 1280 वॉट, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद इस मशीन का BPM है 2900। इन मशीनों में RPM नहीं होता है, BPM होता है। BPM मतलब होता है ब्लोस पर मिनट। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो इसका ये मतलब हुआ कि ये मशीन 1 मिनट में कितनी बार वार करेगी। तो जब आप इस मशीन से पत्थर या फिर दीवार को तोड़ेंगे तो ये मशीन 1 मिनट में 2900 बार वार करेगी, कुछ इस प्रकार से। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस मशीन के अंदर आपको मिल जाती है पूरे 6 महीने की वारंटी। उसके बाद यहां पर आपको मिल जाता है एक अच्छी क्वालिटी का टेंगल फ्री वायर। वायर की लंबाई की बात करें तो यह है 6.5 फीट का। चलिए अब हम इस मशीन का वेट करके देख लेते हैं। इस मशीन का वेट है कुछ 5 kg 600 g। और अगर मैं इसके साथ में इसका हैंडल ऐड कर दूं तो इसका वजन हो जाता है पूरा 6 किलो का। फिर आपको इस मशीन में मिल जाता है 17 mm का चक साइज। चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी इस मशीन के फीचर्स। सबसे पहले आपको इस मशीन में मिल जाता है हैंडल। ये हैंडल होता है टोटल 4 पार्ट्स में और ये है 360 डिग्री रोटेशनल हैंडल, मतलब ये 360 डिग्री कहीं पर भी रोटेट कर जाता है। और इसको लगाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले ये सी क्लैंप है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। और फिर जो हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको हम हैंडल के ऊपर ऐसे रख देंगे। उसके बाद इसमें दिए हुए हैं थ्रेड, उसको आप यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। और फिर ये जो आपको टी शेप दिख रहा है, इसको हम इस क्लैंप के ब्रैकेट में फिक्स कर देंगे। इस प्रकार से यहां पर आपका हैंडल लग जाएगा। इसके बाद हैंडल लगाने की एक और जगह है, वो है टॉप पर। ये देखिए इस तरफ, यहां पर हैंडल लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब हम फ्लोर पे काम करते हैं। यहां पर मैंने ऊपर फिक्स कर लिया है हैंडल, अब मुझे फ्लोर पे चलाना है तो मैं इस प्रकार से चलाऊंगा। तो इस हैंडल से मेरी पकड़ बहुत अच्छी बनेगी और यहां से मैं दबाऊंगा ट्रिगर और फिर फ्लोर का मेरा काम हो सकता है और फिर मैं फ्लोर तोड़ सकता हूं। इस मशीन के अंदर बिट लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये जो आपको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको आपको नीचे करना है। तो मैं करता हूं इसको नीचे और फिर ये जो बिट है आप इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। बस ये देखिए आपके बिट लग चुकी है। अब इसके अंदर ये जो आपको इतना गैप दिख रहा है, बेसिकली ये गैप हैमरिंग के लिए है। ये जो मशीन है ये ड्रिल मशीन नहीं है और ये जो बिट है इसको भी हम लोग ड्रिल बिट नहीं बोलते हैं,
बेसिकली हम लोग इसको चिजल बिट बोलते हैं या फिर SDS मैक्स बिट बोलते हैं। रीज़न यह है कि ये गोल नहीं घूमती है, ये सिर्फ हैमरिंग करती है और ये मशीन सिर्फ तोड़ फोड़ के काम में आती है। फिर ये जो बिट है इसको निकालना बहुत ही आसान है। ये जो चक है वापस से हम इसको नीचे करेंगे और ये बिट निकाल लेंगे। इस चक को हम लोग पुश फिट चक भी बोलते हैं या हम लोग इसको बोलते हैं QC2 मतलब क्विक चेंज चक। ये जो आप इसका चक देख रहे हैं और ये पूरी बॉडी बेसिकली पूरा लोहे का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये ग्रिप को मजबूत बनाता है, ये है रबड़ का। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से बाहर आ जाएगा, ये पूरा रबड़ का है और जब ये यहाँ पे लग जाता है तो इससे ग्रिप बहुत अच्छी आती है। चलिए हम इसको वापस से कर देते हैं फिट। अब मैं जरा आपको इसका हैमरिंग ऑप्शन दिखाता हूँ। आप ये बिट की तरफ देखिएगा, ये आगे पीछे मूव करेगी। तो ये जो बिट है जो वाइब्रेट करते हुए आगे पीछे मूव करती है, इसी वजह से हम लोग पत्थर, दीवार या फिर फ्लोर को बड़ी आराम से तोड़ सकते हैं। ये जो हमारी ब्रेकर मशीन है ये बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब हम लोग इससे काम लेते हैं 7 घंटे, 8 घंटे या फिर 14-14 घंटे, बहुत चलती है। तो उससे क्या होता है कि इसके जो कार्बन है वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं। 95% मशीन में कार्बन चेंज करने का तरीका एक जैसे ही होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको मशीन का लोअर पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग पहले खोल लेंगे। ये कवर निकालने के बाद आपको यहाँ पे कार्बन ब्रश के 2 स्लॉट मिल जाएंगे, ये है S1 और अगर आप मशीन घुमाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा S2। ये जो कार्बन ब्रश है ये मार्केट में बड़े आराम से अवेलेबल हैं, ये आपको किसी भी टूल शॉप में मिल जाएंगे। चलिए अब हम इसको वापस कर देते हैं फिट। इसके बाद इस मशीन के सबसे टॉप पे आपको यहाँ पर मिल जाता है ऑयल कैप। इसमें आपको टाइम टाइम पर ग्रीस डालना पड़ता है। जरा मैं आपको इसको खोल के बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस मशीन के साथ में स्पैनर आता है, इस स्पैनर की मदद से हम ये ऑयल कैप खोलते हैं। ये जो ऑयल कैप है ये प्लास्टिक का रहता है, वैसे बेसिकली इसकी तो ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि आप थोड़ा तेज हाथ से घुमाएंगे तो ये देखिए ये वैसे ही खुल जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का रहता है, इतना ज़्यादा टाइट ये नहीं रहता है कि हमें पानी की ज़रूरत पड़े। ये देखिए ये मैंने खोला है और आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत अच्छे से, अभी नया है तो पूरा ग्रीस है। जब ये पुराना हो जाएगा तब आपको यहाँ पे कोई ग्रीस दिखेगा नहीं, और दिखेगा भी तो बहुत कम और बिल्कुल काला सा ग्रीस दिखेगा। ज़रा मैं आपको मशीन के अंदर भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं पूरा इसके अंदर अभी ग्रीस है। तो आपने देखा जब इसमें पूरा ग्रीस रहता है तो ये पिस्टन बड़े अच्छे से काम करता है और इसका हैमर ऑप्शन बड़ा अच्छे से वर्क करता है। तो एक बात आप ये ध्यान रखें कि टाइम टू टाइम ग्रीस करते रहें। इसका ग्रीस आपको टूल शॉप पे भी मिल जाएगा और ऑनलाइन पे भी बड़े आराम से अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर आप ऑयल कभी ना डालें। चलिए अब हम इसको वापस से फिट कर देते हैं। देखिए मैं इसको हाथ से ही टाइट करूंगा, मैं पानी इसमें यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि बेसिकली प्लास्टिक का है, तो मैंने इसको टाइट कर दिया बस और ये हो चुका है यहाँ पर फिट। तो फ्रेंड्स अभी हमने देख लिए इस मशीन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस, अब हम लेते हैं इस मशीन का डेमोस्ट्रेशन। तो अब हम कर लेते हैं इस मशीन का डेमोस्ट्रेशन। बेसिकली मेरे पास ऐसी कोई साइट तो है नहीं जहाँ पर मैं आपको इसका डेमो दिखा सकूँ, तो मैं डेमो आपको यहीं पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं रख लेता हूँ प्लाई ताकि मेरा फ्लोर खराब ना हो, और फिर इसके ऊपर मैं रख लूंगा ये ब्लॉक। चलिए तो सबसे पहले जरा मैं आपको इसका हैमर ऑप्शन दिखाता हूं कि वर्क कैसे करता है। आप देखेंगे तो ये नीचे ऊपर धक्का मारता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लोस। कुछ ये ऐसे करके मशीन चलती है और जब आप इसको दोनों हाथ से पकड़ के चलाएंगे कुछ भी फ्लोर तोड़ने के लिए तो ये इस प्रकार से कुछ चलेगी। बेसिकली जो इसकी बिट है जो आगे पीछे मूव करती है, इसी की वजह से पत्थर बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा वॉल तोड़ के देखते हैं कि कैसे वॉल तोड़ती है।
तो गाइस देखा आपने कितना बढ़िया इसका हैमरिंग पावर है, इस मशीन ने कुछ ही मिनटों में इतना तोड़ दिया है। बेसिकली मैं और तोड़ना चाह रहा था बट फिर मुझे उतना ही ज़्यादा रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको इसकी पावर दिखाना था। तो बेसिकली जब आप झीरी काटेंगे या फिर बोर्ड के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो यदि आप एंगल ग्राइंडर से कट करेंगे तब फिर ये मशीन बिल्कुल आपका एक्यूरेट स्क्वायर में या फिर आपकी झीरी काटेगी। तो ये जो हमारी डिमोलिशन मशीन है ये पूरा पैसा वसूल है, इसको आप ले सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी बढ़िया है ये हमारी ब्रेकर मशीन। यहाँ पर मैंने टेक ट्रैक्स कंपनी की मशीन ली है, आप चाहें तो किसी और कंपनी की भी मशीन ले सकते हैं। इस मशीन में मेरे को दो खामियाँ लगी हैं। सबसे पहली खामी कि कंपनी ने इसके साथ दिया है टीन का केस, अगर इसकी जगह पे फाइबर का केस होता तो और भी अच्छा होता। और जो दूसरी खामी है वो है इसके वायर की लंबाई। इस मशीन के साथ में 6 फिट का लंबा वायर भी नहीं आता है, वायर की लंबाई आती है 6.25 फिट। अगर कंपनी इसके साथ में 8 या 9 फिट का वायर देती तब फिर सोने पे सुहागा होता। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सकें। और इस ब्रेकर मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप चाहें तो वहां से भी जाके इस मशीन को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।